पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज का ललितपुर नगर में आज सुबह सुबह आगमन हुआ और उनकी भव्य अगवानी हुई और सुबह महाराज श्री की जैन समाज के लोगों गौशाला स्थित हाईवे पहुँच कर की देखिए महाराज श्री की अगवानी को लेकर झलक ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ तहसील पाली से प्रियंक जैन और गुरुवर के साथ साथ चल रहे हमारे ललितपुर लाइव टीवी के धार्मिक आयोजनों के प्रिय रिपोर्टर मनीष जैन मंगू की ये विशेष रिपोर्ट। सुधा सागर जी महाराज सत्संग आज इस प्रतिभा स्थली परिसर में पधारे हैं। करुणा का केंद्र दयोदय गौशाला में पधारे हैं। पूज्य मुनि शुभ्रदनाथ भगवान के मंदिर में सत्संग पधारे हैं। ललितपुर की पूरी जैन समाज पूज्य गुरुदेव की आगवानी के लिए तन मन धन से समर्पित है और आज जो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का दिन है पूरे देश से गुरु भक्त पधारे हैं। हर व्यक्ति के मन में आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी अभिलाषा है कि गुरु से हमको ऐसा आशीष मिले कि हम अपना जीवन कृतार्थ करें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। ऐसी भावना से लोग और ऐसे भक्तगण गुरुदेव के पूरे देश से एक श्रेष्ठी जन जिन्हें ऐसा अपने वहाँ का एक प्रमुख माना जाता है ऐसे प्रमुख प्रमुख व्यक्ति आज इस नगर ललितपुर में पधारे हैं। ललितपुर की समाज धन है ऐसे सम्मानियों का स्वागत अभिनंदन करके और सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हम गुरुदेव के चरणों में हैं जिन्होंने ऐसी अमूल निधि एक दशक बाद हमें दी कि आज हम गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा का पर्व आज यहाँ मना रहे हैं। कल जो गुरुदेव की भव्य आगवानी होनी है उस आगवानी में ललितपुर वालों ने ये ठान लिया है। हमारा युवा वर्ग बहुत उत्साही है, जन जन उत्साही है, माताएँ बहनें उत्साही हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि कल हमें कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जो हमेशा एक चिरस्थायी और अजर अमर रहे। उसी क्रम में पूरी जैन समाज सुबह सफ़ेद वस्त्रों में धोती कुर्ता और पंडित जी वाली टोपी लगा करके आएगी और जो भी माताएं बहनें हैं वो भी अपनी ड्रेस में, समिति सोसाइटी संघ के लोग अपनी ड्रेस में भी आ सकते हैं लेकिन उन सबको सफ़ेद टोपी पंडित जी वाली लगाकर आना अनिवार्य है और उत्साह है और फिर हम एक संख्या बल प्रदर्शित करेंगे जिससे हमारी ये अगवानी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में दर्ज होगी और हम पूरी समाज के लोगों से एवं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का एक बार पुनः अनुरोध करते हैं
कि कल हमें इस आगवानी में अपार जन समूह के साथ स्वयं को अपने अनुशासन में रहकर चलना है। महाराज जी से सभी लोग 20 कदम पीछे चलेंगे, जिससे लोगों को गुरुदेव के पावन दर्शन हो और ये अगवानी भव्य ऐतिहासिक बने, ऐसी हमारी भावना है। सभी को जय जिने। सुधा सागर महाराज जी के आगमन पर पूरा नगर और सभी लोग प्रफुल्लित हैं और सभी से करवद निवेदन है कि कल की भव्य आगवानी को हमें और सार्थक बनाना है और कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें हमें सभी को सफ़ेद कपड़े और टोपी पंडित जी वाली लगा के आना है और गुरु जी के पीछे चल के एक लाइन में और इस भव्य आगवानी को अतः हमें सुबह 6 बजे और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना कल है। परम पूज्य मुनि श्री की जो ललितपुर में अगवानी होनी है, उसके लिए जैन जैनेतर समाज स्वयं सेवी संस्थाएं सभी आतुर हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं और एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए प्रयासरत हैं कि एक ऐसा रिकॉर्ड बने जो पूरे देश में अभूतपूर्व हो और पूज्य मुनि श्री की अगवानी ललितपुर में प्रभावना पूर्वक हो। जो पूज्य महाराज श्री की अगवानी होनी है, मसौरा खुर्द गौशाला से 9 किलोमीटर क्षेत्रपाल जी मंदिर के लिए अगवानी भव्यतापूर्ण ढंग से संपन्न होगी, जिसमें तरह तरह के युवा वर्ग द्वारा आकर्षक प्रदर्शन और एक भव्य रूप प्रदान किया जाएगा और पूरा शहर तोरण द्वारों से सजाया गया है और एक भव्य रूप में पूज्य महाराज श्री की अगवानी ललितपुर वासी करके समूचे देश को संदेश देंगे कि पूज्य गुरुदेव के भक्त ललितपुर में हैं और ललितपुर वासी पूज्य गुरुदेव की चाहत में 10 वर्षों से पलक पांवड़े बिछाए खड़े हुए हैं। हम सभी ललितपुर वासियों से यही कहना चाहेंगे, पूज्य गुरुदेव की जो अगवानी है उसमें आस्था के साथ श्वेत वस्त्र और टोपी पहनकर इस शोभा यात्रा में अनुशासित ढंग से उपस्थित हों और पूज्य गुरुदेव की अगवानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यह 9 किलोमीटर की अगवानी यह पहली बार ललितपुर क्या पूरे प्रदेश में हो रही है, जिसमें एक निर्धारित अनुशासित ढंग से श्वेत वस्त्रों में श्वेत टोपी पहनकर पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सभी चलेंगे और पूज्य गुरुदेव की अगवानी चित्तपाल मंदिर में करेंगे।